गुड मॉर्निंग, लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज मार्केट सेटअप। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल यूएस मार्केट में कमजोरी देखने को मिली। एक्चुअली कल यूएस के इन्फ्लेशन नंबर आए थे जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो मार्केट में रिस्क बन गया है कि शायद जल्दी हमें इंटरेस्ट रेट में हाइक देखने को मिल सकता है। कल डाउ जोन्स में अराउंड 240 पॉइंट्स का कट देखने को मिला और मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर फ्लैट नोट पर ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स मिक्स टू नेगेटिव नोट पर ट्रेड कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 50-60 पॉइंट्स के कट के ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। कल के डेटा की बात करें तो कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने अराउंड 500 करोड़ की सेलिंग की, वहीं डीआईआईज ने अराउंड 800 करोड़ की बाइंग की। सो नेट अराउंड 300 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। एफएनडी डेटा की बात करें तो पुट कॉल रेशो 0.94 के लेवल पर है, जो थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। एफआईआईज के डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि कल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्टिंग की, जहां उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की और शॉर्ट ऐड की है। ऑप्शन का डेटा मिक्स टू नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है और पुट बाइंग ज़्यादा हुई है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग रेंज में अटका हुआ और वोलेटाइल हो रहा है, जहां पर 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज अभी 17,800 के लेवल पर प्लेस्ड है, जबकि 20 डे मूविंग एवरेज 18,080 के लेवल पर प्लेस्ड है। इस जोन से बाहर निकलने पर ही कोई प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। आज एक्सपायरी के चलते निफ्टी अपना मेजर टाइम 18,000 से 17,900 के बैंड में बिता सकता है। हालांकि अगर 17,900 के नीचे फिसलता है तो ये 17,800 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 38,500 से 38,250 क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिसलने पर एक बड़ी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। ऊपर की ओर एक्सपायरी के चलते 39,000 लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जबकि 39,500 से 39,750 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। स्टॉक्स की बात करें तो आज हमारा टॉप पिक है मुथूट फाइनेंस, जो अभी 1672 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ 1640 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1725 का टारगेट रहेगा। एक्चुअली ओवर द नाइट गोल्ड के प्राइसेस में अच्छी तेजी देखने को मिली और टेक्निकली ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये था आज का मार्केट सेटअप। दिस इज संतोष मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।